विजेता ओ नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि ओ होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। कठिनाई का मतलब असंभव नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बदनामी का भय केवल उससे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। सबके जीवन में दुख आते हैं, बस इस दुख में सबके धैर्यों की परीक्षा ली जाती है। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाए कि लोग आपको दोबारा बोलने का इंतजार करें। सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा। एक अच्छी पुस्तक 100 दोस्तों के बराबर होते हैं, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, आपको आदर्श बनने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। लोग आपकी पीठ के पीछे इन तीन कारणों से बात करते हैं। जब वो आपके स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं, जब उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है, जब वो आपकी जीवन शैली को नकल करने की कोशिश करते हैं। एक महान शिक्षक बनने के लिए तीन बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज्ञान, जुनून और करुणा। मनुष्य को जीवन में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए आवश्यक है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जीवन में सुख का अनुभव तभी प्राप्त होता है जब इन सुखों को कठिनाई से प्राप्त किया जाता है। असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत सबसे अच्छी दवाएं है। आप अपनी पहली जीत के बाद रुके नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी दूसरी कोशिश में नाकायाब रहे तो लोग ये कहने से नहीं चुकेंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत का खेल था। आपकी सफलता के रास्ते में जितनी मुश्किलें आएगी, सफलता पाने पर आपको उतने ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बहुत मुश्किल है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। फ्रेंड्स, यदि आपको APJ अब्दुल कलाम की इस विचार अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना जरूर, क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन आते हैं। थैंक यू। जय हिंद।